26 किलोमीटर का एक सफर आप तय करके आती हैं, इतनी फिटनेस कैसे? मैं ग्रुप साइकिलिंग भी करती रही हूँ, तो हम एवरी सैटरडे संडे 100 किलोमीटर भी करते थे। 50 तो मैं अकेली जब कर रही हूँ तो अक्सर कर लेती हूँ, लेकिन कॉलेज अनफॉर्चुनेटली 15-13 किलोमीटर है, तो ये इतना मुश्किल नहीं। आपके पास लग्जरी कार भी होगी, कोई ना कोई घर भी माशाल्लाह अच्छा होगा, उसके बावजूद भी आप इसमें आ रही, कोई बजट का मसला तो नहीं गवर्नमेंट की तरफ से? मेरा पहले पेट्रोल जब मैं अपनी गाड़ी जाती थी आती थी तो रफली महीने का 30,000 पिछले 2 साल में लगता था। 30,000 जो कट ऑफ हो रहा है उसका आप शॉपिंग कर रही हैं या घर पे कहीं पे इन्वेस्ट कर रही हैं या प्लॉट की कोई किस्तें अदा कर रही हैं? नहीं, एक्चुअली कुछ अपने शौक हैं, जैसे मुझे मूवीज देखने का शौक है तो मुझे अच्छा हेडफोन चाहिए, तो जब मेरे पैसे बचते हैं तो फिर आए कोई 15-20 हज़ार का एक हेडफोन खरीद लिया। मैम आप लाइक स्टूडेंट्स में से शुमार होती हैं? हाँ जी। आपको कैंसर भी हुआ? एक्चुअली मुझे लगता है कि एक्सरसाइज आपको पॉजिटिव भी करती है, तो फिर मैंने एक्चुअली दोबारा साइकिलिंग रेगुलरली शुरू की, तो विद इन 6 मंथ साइकिलिंग मेरी ये सारी चीजें ठीक हो गई। कई दफा सोचती थी कि मेरा एक ही बेटा, अच्छा आपका एक ही बेटा है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा बेटा अपनी अम्मी के बगैर जिंदगी गुजारेगा। नाज़रीन आज आपकी मुलाकात करवाएंगे कैंसर को मात देने वाली एक ऐसी प्रिंसिपल जो कि MAO कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर आलिया खान। नाज़रीन से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि इनकी आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी चर्चे चल रहे हैं कि साइकिल पे कॉलेज आती हैं और जाती हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर आलिया? मतलब आजकल सोशल मीडिया पे वायरल दिखाई दे रही हैं, कैसा फील हो रहा है वैसे एज अ प्रिंसिपल और अब एज अ सोशल मीडिया सेलिब्रिटी अलॉन्ग विद? ओवरवेलमिंग हो गया जी, अल्लाह का शुक्र है इज्जत दी है अल्लाह ताला ने, लेकिन ये कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना वायरल हो जाएगा। हम तो अपने कॉलेज के लिए काम करते हैं और साइकिलिंग मेरा पर्सनल एक एक्शन है, तो आई डिड नो कि ये इसके इतने फार रीचिंग इफेक्ट्स होंगे। बिल्कुल। तो मैम वो जो स्टूडेंट था आपका जो पीछे से बैक ऑफ द कैमरा वीडियो बना रहा है, क्या वो आपने खुद प्लान किया था या ये ऑटोमेटिकली हो जे कहते हैं ना वायरलिटी क्रिएट हो जाती है? ये रैंडम एक्शन था एक्चुअली। मेरा अपने फैकल्टी के साथ स्टूडेंट्स के साथ बड़ा अच्छा कॉर्डियल सा रिलेशनशिप है। सही। तो अक्सर जैसे 14 अगस्त पे कोई बच्चा आके कहता है मैडम टिकटॉक छोटी सी बनाते हैं, झंडा पकड़ के जाते हैं, वो स्लो मोशन में वो अपलोड कर देते हैं। इस तरीके से ये स्टूडेंट ने भी कहा कि मैडम आप साइकिल पे जा रही हैं, उस दिन लास्ट वर्किंग डे था बिफोर ईद, तो मैंने कहा हाँ गाड़ी 5 दिन अब नहीं चलनी है तो मैं यहाँ खड़ी कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ। उसने कहा मैं आपके साथ बना लूँ, मैंने कहा बना ले। Right. तो आई डिडंट नो कि ये इतना साथ साथ चलता रहा और आपकी वीडियो कैप्चर करता रहा। अच्छा गाड़ी आप यहाँ पर ही खड़ी कर जाती हैं जो गवर्नमेंट ने आपको दी हुई है एज अ प्रिंसिपल MAO कॉलेज की? जी एक्चुअली गाड़ी मैं यूज करती हूँ सेल्डम, लाइक मंडेज आर ऑलवेज वेरी हेक्टिक, उसके लिए मैंने पूरा वीक प्लानिंग करनी होती है, तो मंडेज को मैं गाड़ी पे आती हूँ। सही। और सैटरडे को भी छोड़ जाती हूँ क्योंकि संडे को मैं कहाँ खड़ी कर रखूँ। तो मैम पर्सनल कार मतलब यूज एज अ पर्सनल कार भी नहीं करती? नहीं पर्सनल तो बिल्कुल भी नहीं करती, कॉलेज अच्छा। ऑफिशियल वर्क के लिए मैं यूज करती हूँ क्योंकि यहाँ से एब्स्ट्रेक्टरेट जाना है, डायरेक्टरेट जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, कोई और ऑफिशियल काम है तो गाड़ी पे ही जाती हूँ। मैम आप लाइक स्टूडेंट्स में से शुमार होती हैं? हाँ जी। ये तो वही बात होनी कि हाँ आपने कहना हाँ जी मैं लाइक हूँ। नहीं लाइक नहीं, आई वुड रादर, जैसे मैंने फिजिक्स में PhD की है और मेरा पर्सनल फेवरेट फिजिक्स नहीं था, लेकिन आपको पता है एक चीज होती है डिसिप्लिन और एक होता है परसिस्टेंस, तो ये दोनों चीजें मेरे में थी कि अब जो चीज करनी है वो करनी है, चाहे वो अच्छी नहीं लगती। घर वालों की तरफ से फोर्स किया गया था कि फिजिक्स में ही करनी है? जी बिल्कुल, मेरे फादर मास्टर्स इन फिजिक्स थे, तो हम होम स्कूल थे, हम बने थे, हम घर में पढ़ते थे, मैट्रिक तक मैंने होम स्कूलिंग की थी। All right. तो वो उन्होंने कहा कि मुझे यही पढ़ाना आता है फिजिक्स, तो इसलिए तुम लोगों ने यही पढ़ना है। तो हम पांच में से 3 बहने मास्टर्स इन फिजिक्स हैं और 2 PhD इन फिजिक्स हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक PhD इन इंग्लिश है। बचपन से साइकिलिंग का शौक था या मतलब कोई नहीं था, ये अब आके 2018 के बाद पढ़ा? साइकिल मेरे फादर ने मेरी बड़ी बहन को लेके दी थी। अच्छा। उसको जब छोटी थी उसको सिखाया, फिर मैं उसमें हो गई थी, मुझे सिखाया, फिर हम सारी बहनों ने उसी साइकिल चलानी, फादर नहीं सिखाई। जी, जी। अच्छा मैम मुझे ये बताएं 26 किलोमीटर का एक सफर आप तय करके आती हैं DHA से कैवलरी, आई थिंक सो 13 टोटल 26, तो इतनी फिटनेस कैसे? असल में ये बिल्कुल भी कुछ नहीं है,
मैं ग्रुप साइकिलिंग भी करती रही हूँ, तो हम एवरी सैटरडे संडे 100 किलोमीटर भी करते थे केनाल पे. तो 50 तो मैं अकेली जब कर रही हूँ तो अक्सर कर लेती हूँ, लेकिन कॉलेज अनफॉर्चुनेटली 15-13 किलोमीटर है, तो ये इतना मुश्किल नहीं है. तो आपके लिए ये बहुत कैजुअल सी चीज होगी कि बस इतना सा, क्योंकि जब आप 100 किलोमीटर कर लेती हैं उसके बाद 13 किलोमीटर या 26 किलोमीटर क्या कहते हैं, मुझे नहीं हार्ड लगता जी, मुश्किल भी नहीं. सही, रास्ते में किसी मुश्किलात का सामना तो नहीं होता कभी किसी ने? जिस तरह आपको पता है कि कुछ लोग तंग करने वाले भी होते हैं, हैरेस करने वाले भी होते हैं, कभी किसी हैरेसमेंट का कोई मसला आया हो? देखिए, आई होप कि मैं इतनी उम्र की नहीं लगती, लेकिन अगर मैं ये अज्यूम करती हूँ कि मुझे ये माई बुढ़ी जा रही है, खैर है, इसको कुछ नहीं कहना, तो मैंने आज तक कभी हैरेसमेंट फेस की. मुझे किसी ने ईव टीजिंग जो कहते हैं या आवाज़ कसी हो या कुछ भी कहा हो, कभी भी नहीं. इनफैक्ट मैंने देखा है कि हमारा मुआशरा औरतों की बहुत इज्जत करता बेशक, है. मेरा ख्याल है एजुकेटेड लोगों में एजुकेशन ज़्यादा हो रही है, तो मेंटल एजुकेशन भी हो गई है. बिल्कुल. तो इनफैक्ट कभी होता भी है तो मैं ओ बेटा कह देती हूँ ना, जैसे कोई रास्ता आ रहा है तो साइड पे हो जाते हैं. अच्छा. मेरे लिए दे ऑलवेज मेक वे फॉर मी. माशाल्लाह. आई थिंक वी आर ब्लेस्ड विद सच अ माशाल्लाह. स्टूडेंट्स जब देखते हैं इतने लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, आपने मतलब स्टूडेंट्स हैं आपके, फीमेल हैं और साथ साथ मेल भी हैं, तो वो लोग इसको इससे देख के इम्प्रेस हुए कि साइकिल पे आने लगे कि वो बाइक या गाड़ी पे ही यूज़ कर रहे थे? क्योंकि आपके पास लग्जरी कार भी होगी, कोई ना कोई घर भी माशाल्लाह अच्छा होगा, उसके बावजूद भी आप इसमें आ रही हैं, कोई बजट का मसला तो नहीं गवर्नमेंट की तरफ से? अरे नहीं नहीं, गाड़ी और ड्राइवर और पेट्रोल तो कॉलेज की तरफ से, ऑफिस मतलब गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ है. इसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, वी आर कम्फर्टेबल, वी आर नॉट वेरी रिच लेकिन वी आर कम्फर्टेबल. तो बल्कि जब मैं साइकिल पे आती हूँ तो मेरा पहले पेट्रोल जब मैं अपनी गाड़ी जाती पे आती थी तो रफली महीने का 30,000 पिछले 2 साल में लगता था. अब जब मैं साइकिल पे आती थी तो मैम उसकी क्या, वो 30,000 जो कट ऑफ हो रहा है उसका आप शॉपिंग कर रही हैं या घर पे कहीं पे इन्वेस्ट कर रही हैं या प्लॉट की कोई किस्तें अदा कर रही हैं? नहीं एक्चुअली मेरा थोड़ा सा अपनी जाती है कि आई गिव मनी टू पुअर, फिलैंथ्रोपिस्ट सेंस में हूँ कि जितना मेरे पास एक्स्ट्रा होता है तो आई ट्राई कि आई हेल्प समबडी एल्स. माशाल्लाह, इट्स वेरी गुड. कई बच्चों की फीस दे देती हूँ, कॉलेज में बहुत से बच्चों की फीस मैं देती हूँ बगैर किसी को बताए. और दूसरा ये कि कुछ अपने शौक हैं, जैसे मुझे मूवीज देखने का शौक है तो मुझे अच्छा हेडफोन चाहिए. All तो right. जब मेरे पैसे बचते हैं तो फिर आए कोई 15-20 हज़ार का एक हेडफोन खरीद लिया. बिल्कुल ठीक. अपने लिए बेसिकली एवरीथिंग इज फॉर ऑब्वियसली जी. और साइकिलिंग भी मुझे लगता है कि ये मेरा मी टाइम होता है. इस वक्त मैं सोच रही होती हूँ, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग चल रही होती है कोई ना कोई चीज, और मेरी अपनी पर्सनल फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ बेहतर हो रही है. तो ऑल्दो मैं ये भी समझती हूँ कि आई होप कि मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ टुवर्ड्स लेस पोल्यूशन, टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, टुवर्ड्स ग्रीन पाकिस्तान, तो बेशक एक कतरा ही है लेकिन आई होप कतरा कतरा बने समुंदर. आपको कैंसर भी हुआ 2017 में 18 में जो हमारे ज़राए से पता चला, हाउ मतलब यू टैकल दीज थिंग्स विद इतनी बड़ी ये चीज़ के साथ? एक्चुअली मुझे लगता है कि एक्सरसाइज आपको पॉजिटिव भी करती है. तो जब हमें 17 में कीमो पता चला कि सर्जरी होनी है, कीमो होनी है, और ये बहुत फैल गया था कैंसर, आई थिंक मेरे यूट्रस में से निकल के मेरे लंग में भी स्पॉट्स थे, तो हमारा एक सेकंड के लिए जो पंजाबी में कहते हैं ना त्राई निकल गया. हाँ जी. अच्छा. फिर ये कि जब मैं उसको पॉजिटिवली लिया कि अल्लाह का शुक्र है कि डायग्नोज हो गया है. अब वक्त से पहले वो चीज़ तशखीस हो जाए तो बेहतर होता. तो फिर जब ट्रीटमेंट शुरू हुई तो फिर हौसला हो गया कि अब अल्लाह के हवाले, अल्लाह के हवाले. तो फिर मैंने एक्चुअली दोबारा साइकिलिंग रेगुलरली शुरू की. तो विद इन 6 मंथ्स आई थिंक मेरी ये सारी चीज़ें ठीक हो गई और आई फेल्ट कि वेट भी रिड्यूस हो गया, बिल्कुल लॉपसाइडेड सी बॉडी हो गई थी. उस टाइम टेन्योर में कहीं डिप्रेशन में गई? नहीं. अच्छा. अब अल्लाह ताला पे ही जी जी छोड़ी चीज़. मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस ये होता था, कई दफ़ा सोचती थी कि मेरा एक ही बेटा. अच्छा, आपका एक ही बेटा है. अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा बेटा अपनी अम्मी के बगैर जिंदगी गुजारेगा, ये दुख होता था. लेकिन उम्मीद थी कि अल्लाह ताला बचा लेगा. अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे जी. इसके अलावा मुझे नेगेटिविटी इसलिए नहीं आई कि देखिए जब मुझे कोई टास्क मिलता है ना तो देन आई हैव टू वर्क टू द एंड ऑफ इट. तो मुझे ये टास्क मिल गया था कि मैंने अब ठीक होना है और आपने इंशाल्लाह मैंने अपने उसके लिए आपने कोशिश की. मैं बस एंड का इंतजार कर रही थी कि पूरा काम करना है, जो डॉक्टर कहेंगे वही करना है, किसी चीज में ना उम्मीद ही नहीं डालनी, अल्लाह ताला पे यकीन रखना है और लेट्स सी.
और फिर जब सी क्या किया, अल्लाह ताला का शुक्र है क्या बात कि आई एम नाउ अ सर्वाइवर। आखिरी सवाल, कभी सोचा था कि आप एक स्ट्रगल वुमेन, एक मेहनत करती हुई पढ़ती हुई आज एक MAO कॉलेज जो बड़ा ही पुराना कॉलेज है, तारीख भी गवाह है, तो उसकी प्रिंसिपल है? नहीं सोचा, कभी भी नहीं था। जैसे मैंने कहा कि मैं हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, हमारे घर में मेरे फादर हमारे साथ काम करते थे क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, तो हम बहने बहने थे, हमारे बड़े नखरे होते थे, खाना पकाते थे, कोई होम कोई कुक नहीं था, कोई वर्कर नहीं थे, सफाई भी खुद करनी, तो मेरे फादर हमारे साथ कपड़े धोते थे और हमारे लिए आटा गूंथ के देते थे, तो रोटियां हम पकाते थे, अम्मी को भी था कि सिर्फ खाना सालन पकाना है और बाकी काम हमारा सिर्फ पढ़ाई करना होता था। क्या बात है जी, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके मैम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे साथ थी डॉक्टर आलिया खान, एक बाहिम्मत खातून है, पाकिस्तान में अपना बहुत ही अच्छा किरदार और मस्बत किरदार अदा कर रही हैं और जो तालिब इल्म हैं उनके लिए मशलेरा भी हैं। इसी तरह की एक और कहानी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अब्दुल हई को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सुनो डिजिटल। अल्लाह हाफिज़ नासिर।